Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. धर्मेंद्र ने दो शादियां की है। हेमा मालिनी उनकी दूसरी पत्नी है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं। बेटियों के नाम ईशा और आहाना देवल है। शनि देवल और बॉबी देवल धर्मेंद्र की पहली पत्नी हैं। प्रकाश कौर के बेटे हैं। धर्मेंद्र के सारे बच्चे उनके काफ़ी करीब हैं। धर्मेंद्र भी बच्चों को खूब प्यार करते हैं, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हो गया था जब धर्मेंद्र ने बेटी ईशा देवल से 6 महीनों तक बातचीत नहीं की थी। आइए जाने क्या थी धर्मेंद्र की नाराज़गी की वजह। कुछ समय पहले हेमा मालिनी ने एक टीवी में इंटरव्यू में वो पूरा मामला बताया था, जिसके कारण धर्मेंद्र अपने बेटी पर खफा हो गए थे। बात कुछ ऐसी थी कि ईशा देवल ने साल 2002 में कोई मेरे दिल से पूछे नाम की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म कुछ खास तो नहीं चली थी, लेकिन ईशा की जमकर तारीफ हुई थी। धर्मेंद्र का शुरू से ही एक फैसला था कि परिवार की कोई भी बहू या बेटी बॉलीवुड में काम नहीं करेगी। इसी कारण धर्मेंद्र ने सनी और बॉबी के शादी के कई प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया था। पहली पत्नी से दोनों बेटियों को भी धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस नहीं बनने दिया। ईशा के लिए भी धर्मेंद्र ने शाप कह रखा था कि वह फिल्मों में काम नहीं करेगी, लेकिन पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने फिल्म में काम किए थे। धर्मेंद्र को ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी, वह बहुत नाराज हो गए। हेमा मालिनी ने बताया था कि धर्मेंद्र ने गुस्से में 6 महीने तक ईशा से बात तक भी नहीं की थी। बतौल हेमा मालिनी ईशा और उनकी काफ़ी समझाने के बाद धर्मेंद्र की नाराज़गी दूर हुई। बाद में धर्मेंद्र खुद ईशा की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करते नहीं थकते थे। फिलहाल ईशा देवल शादी कर चुकी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। ईशा अब फिल्मों से दूर हैं और घर परिवार की जिम्मेदारी संभालती हैं, और इसीलिए धर्मेंद्र जो हैं वो ईशा देवल से काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गए थे और 6 महीने तक उन्होंने उनसे बात नहीं की थी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.